हेलो सर, कैसे हैं आप लोग। इंडिया के अंदर अपार्टमेंट्स या फ्लैट, इनका एरिया दिखाने के लिए ना कुछ वर्ड्स का यूज़ होता है, जैसे कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया। अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको कारपेट एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया और बिल्डअप एरिया, इनका बीच का जो डिफरेंस है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इन वर्ड्स का मतलब समझ जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने में थोड़ी आसानी होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारपेट एरिया की। कारपेट एरिया क्या होता है, किस तरीके से कारपेट एरिया अपन फाइंड करते हैं और क्या क्या ऐसे रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं जब भी आप किसी बिल्डर से कोई भी फ्लैट या अपार्टमेंट परचेज करते हैं। तो जैसे कि नेम से पता लग रहा है, कारपेट एरिया मतलब ऐसा एरिया जो कि कारपेट से कवर किया जा सके, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नेट यूजेबल एरिया। कारपेट एरिया फ्लैट या अपार्टमेंट के अंदर जो दीवारें होती हैं उसके बीच की दूरी या उसके बीच का एरिया बोला जाता है। इसके तहत जो कॉमन एरिया होते हैं जैसे लिफ्ट, लॉबी, ये कवर नहीं होते हैं। एक्चुअली मैं जो कारपेट एरिया का कॉन्सेप्ट है वो रेरा ने डेवलप किया है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और मैंने ऑलरेडी रेरा पे वीडियो बना रखी है। सो अगर आप चाहें रेरा क्या होता है तो उसके लिए भी वीडियो देख सकते हैं। बाकी बात कर रहे हैं कारपेट एरिया की, तो कारपेट एरिया वो एरिया होता है जिसको आप फ्लैट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कोई फ्लैट या अपार्टमेंट परचेस करते हैं तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि कारपेट एरिया को कैसे निकाला जाए या फिर क्या फॉर्मूला है कारपेट एरिया का। अब जो ठेकेदार होते हैं, जो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, इन सबको तो ऑलरेडी पता होता है, बट जो हम कॉमन लोग हैं उन लोगों को नहीं पता होता कि कारपेट एरिया किस तरीके से निकाला जाए। तो कारपेट एरिया निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आपके घर के अंदर जितने भी रूम्स हैं, चाहे वो आपका लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, स्टोर रूम है, इन सबका आपको एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के बाद में आपको उस टोटल एरिया में से जो भी दीवारों की मोटाई है उसको हटा देना है। तो जितना भी एरिया आपके पास निकल के आएगा, जैसे आप देख रहे हैं फॉर्मूला, वो कारपेट एरिया का ही फॉर्मूला होगा। ये इजीली आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप जब भी आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन आता है वहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं। रेरा एक्ट के अनुसार रियल इस्टेट डेवलपर और बिल्डर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कस्टमर को कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया के बारे में समझाएं, और प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो कारपेट एरिया पर आधारित होनी चाहिए। तो मैं अब आपको कारपेट एरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। बिल्डर के मार्केटिंग ब्रोशर, सेल डीड और सेल एग्रीमेंट के ऊपर कारपेट एरिया मेंशन होना कंपलसरी है। आपको इस बात को चेक करना होगा कि जो भी कारपेट एरिया बिल्डर बता रहा है आपको, एग्जैक्ट वही कारपेट एरिया आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन हो या फिर जो रियल में कारपेट एरिया है उससे मैच करे। अगर बिल्डर ने आपको ज़्यादा कारपेट एरिया बताया और आपका रियल कारपेट एरिया कम है जो फ्लैट है उसका, तो आप बिल्डर से रिफंड के लिए बोल सकते हो रेरा एक्ट के बेसिस पे। तो यही था कारपेट एरिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कारपेट एरिया क्या होता है। बाकी आने वाले वीडियोस के अंदर मैं बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया की भी वीडियोस लेके आऊँगा, और इन तीनों में डिफरेंस भी आगे आने वाली प्लेलिस्ट में मैं बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, रेरा वाली वीडियो देखना ना भूलें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि रेरा कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है रियल इस्टेट मार्केट में। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।